नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएस पर। सो रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट के मैन्युफैक्चरर्स को चेतावनी दे दी गई है कि यदि आप इंडियन आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चाइनीज रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने डेक्कन हेरल्ड की ये वाली खबर है जो कि 21 सितंबर को सामने आई। बुलेट प्रूफ जैकेट्स फॉर आर्मी मस्ट शो प्रूफ ऑफ नो चाइनीज रॉ मटेरियल, ये वाली रिपोर्ट जो है ये रिसेंटली सामने आई है। इसी के बारे में हम लोग चीत करने वाले हैं। ये मुद्दा असल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आज से 3 साल पहले सुर्खियों में आया था, तो पूरी कहानी को समझा जाएगा एंड ऑल्सो ये वाला मुद्दा अब सुर्खियों में क्यों आया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, सो 3 साल पहले की बात है। इंडिया में जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स के मैन्युफैक्चरर्स थे वो बेसिकली अपने रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे मोस्टली वेस्टर्न कंट्री से, विच इंक्लूडेड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। और उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडियन आर्मी के द्वारा एक टेंडर को प्लेस किया गया था जिसमें कि जो सप्लायर था उसने टेंडर के टाइम पे जो सैंपल्स को शो किया उसमें ये बताया था कि जो इसमें रॉ मटेरियल्स हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के ही इस्तेमाल करे गए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के बाद जो बुलेट प्रूफ जैकेट उन सप्लायर्स के द्वारा इंडियन आर्मी को सौंपी गई थी, उन पर्टिकुलर जैकेट्स में असल में जो रॉ मटेरियल थे, जो कच्चा माल था, वो चाइनीज रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया था। ये पूरा का पूरा मुद्दा 2019 में सामने आया था जब लगभग 639 करोड़ का जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था जो कि इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर करने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे फ्लोट किया गया था उसमें चाइनीज रॉ मटेरियल्स देखने को मिले थे। इस चीज़ को लेकर ऑब्वियसली पब्लिक प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका था और इतना बड़ा कि नीति आयोग को भी यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा। नीति आयोग के उस टाइम पे जो सदस्य थे वीके सरस्वत, जो कि पहले DRDO के चीफ भी रह चुके हैं और जो कि एक विख्यात साइंटिस्ट भी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग इसमें दखलंदाजी नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पर जो सप्लायर है वो चाइनीज रॉ मटेरियल इसलिए इस्तेमाल कर रहा है बिकॉज यहाँ पर उसको प्राइस एडवांटेज देखने को मिल रही है। सेकेंडली उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि हम लोग इसलिए भी इंटरव्यू नहीं कर सकते बिकॉज जो चाइनीज मटेरियल से बनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो यहां पे सही स्टैंडर्ड की हमें देखने को मिल रही हैं, उसमें क्वालिटी के इश्यूज नहीं हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको मालूम है 2020 में गलवान वैली में जो इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच में भिड़ंत हुई उसके बाद कहानी एकदम से बदल जाती है। 2020 में भिड़ंत होने के बाद कई सारी जो इंडस्ट्री बॉडीज थी उन्होंने गवर्नमेंट के सामने जाकर के अर्जी रखी कि आप लोग एक ऐसी नीति लेकर आइए जिसके चलते जो चाइनीज मटेरियल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है वो यहाँ पे कम हो सके। बल्कि UP की एक फर्म है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स को बनाने के लिए जानी जाती है, कानपुर बेस्ड फर्म है, उन्होंने तो यहाँ पर यह भी अनाउंस कर दिया कि हम लोग चाइना से अब रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर नहीं करने वाले हैं बिकॉज हम लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फिर से यहाँ पर यही दोहराया कि हम लोग जो है रॉ मटेरियल्स को यूरोप और अमेरिकन फर्म्स से ही प्रोक्योर करने वाले हैं जिससे कि हम लोग हमारी बॉडी आर्मर और जैकेट्स को यहाँ पे बनाएंगे। उस टाइम पे नीति आयोग ने अपना जो प्रीवियस स्टैंस था उसको बदल लिया और नीति आयोग के वही सदस्य डॉक्टर वीके सरस्वत, इन्होंने यहां पर कहा दैट इंडियन कंपनीज शुड स्टॉप इंपोर्टिंग चाइनीज रॉ मटेरियल फॉर द बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये वाली जो खबर है ये उस टाइम पे जून के महीने में आपको देखने को मिली थी। और इस टाइम पे नीति आयोग ने यह भी माना कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप रॉ मटेरियल्स चाइना से मंगवा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है और इसीलिए वी शुड अवॉइड इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइनीज सोर्सेज बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसीज ऑफ द रॉ मटेरियल क्वालिटी। बल्कि उस टाइम पे नीति आयोग ने यह भी कहा कि हम लोग यहाँ पे PMO के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं उसके चलते अगर आप लोग इन चीज़ों का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस केस में हम आपको जो है इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करेंगे। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑल्सो फाइनलाइज क्वालिटी नॉर्म्स फॉर बॉडी आर्मर्स टू बी यूज बाई द इंडियन फोर्सेज। नाउ यही वाली चीज़ अब फिर से सुर्खियों में आई है बिकॉज रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर से यहाँ पे इंडिया में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो इंडियन OEMs हैं उनको यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि अगर आप लोग हमारे लिए रक्षा मंत्रालय के लिए किसी प्रकार की बुलेट प्रूफ जैकेट को सप्लाई करते हैं तो उस केस में यू हैव टू सर्टिफाई दैट दे वर नॉट डीलिंग विद चाइनीज एंटिटीज। असल में मुद्दा सामने अब इसलिए आया है बिकॉज इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा एक टेंडर को यहाँ पे फ्लोट किया गया है, उस टेंडर में उन्होंने स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लॉज डाल दिया है विच बैन्स द यूज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना। आपको मालूम होगा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही काम करता है, वैसे तो एक पैरामिलिट्री फोर्स है लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्रालय के ही तहत काम करता है इसीलिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये वाली चेतावनी, ये वाला डायरेक्टिव यहाँ पे इशू किया गया है। उन्होंने कहा द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 746 जैकेट्स मैंडेट्स दैट कंपीटिंग इंडियन वेंडर्स हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग कि जो यहाँ पे कच्चा माल है इट विल नॉट बी इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। और आने वाले टाइम में बल्कि जो इंडियन आर्मी है वो भी यहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बहुत ही बड़ी प्रोक्योरमेंट करने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली 300,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स की प्रोक्योरमेंट उनके द्वारा होने वाली है। उसमें भी वो लोग इसी चीज़ को फॉलो करेंगे कि हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो चाइनीज रॉ मटेरियल है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ना देखिए ये पूरी की पूरी चीज़ को लेकर इन माई ओपिनियन ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि इंडिया ने थोड़ा देरी से किया लेकिन फाइनली कर लिया है। एटलीस्ट जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे डिफेंस पर्सोनल के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं उसमें हमको किसी भी प्रकार का जो चाइनीज इक्विपमेंट है, चाइनीज रॉ मटेरियल है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बल्कि मैं समझता हूं कि जो चेतावनी यहां पर दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा वो भारत में जो कंपनी से जो सप्लायर्स हैं उनके लिए एक अच्छी चेतावनी है, बिकॉज अब वो मजबूर हो जाएंगे कि उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो प्रोक्योरमेंट है रॉ मटेरियल्स का, वो चाइना से नहीं करेंगे बल्कि उनको या तो वेस्टर्न कंट्री से करना पड़ेगा या फिर उनको इसी जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है उसको इंडिया से ही करना पड़ेगा। लॉन्ग रन में अगर देखें तो कल को अगर हम लोग इसी सेक्टर में अच्छे तरीके से आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो उस केस में देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग हमारी आर्मी को लो कॉस्ट सप्लाइज भी इंश्योर कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली हमें बताइए कि क्या इंडियन आर्मी के द्वारा जो दिया गया यहाँ पे चेतावनी है वो सही है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको इंडिया के बेस्ट UPS इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक टेस्ट और हमारे द्वारा भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं 50% डिस्काउंट में, स्पेशली अगर आप लोग टेस्ट बुक पास के यूज़र हैं आपको यूज़ करना होगा मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध, उसके चलते आपको यहाँ पे फ्लैट 50% अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।